हेलो फ्रेंड्स, शिवानी नेमा दिस साइड। आज हम बना रहे हैं खजूर का शेक। फ्रेंड्स, खजूर में आयरन की मात्रा भरपूर होती है और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी हेल्पफुल होता है। फ्रेंड्स, खजूर बहुत फायदेमंद है हमारे लिए और डायबिटिक पेशेंट के लिए खजूर और खजूर का शेक बहुत हेल्पफुल है क्योंकि इसमें नेचुरल शुगर होती है। तो चलिए इस हेल्दी रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ मैंने खजूर के बीजों को निकाल लिया है। 10 से 15 मिनट पानी में भीगी हुई एक चम्मच खसखस ली है मैंने, और सर्विंग के लिए अचार की चिरौंजी। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे लिया है चिल्ड मिल्क, और टेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने लेना है इलायची। दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुटी हुई इलायची ली है। अब हम लेंगे मिक्सर जार और इसमें ऐड करेंगे खजूर, और इसके बाद हम ऐड करेंगे भीगी हुई खसखस। दोस्तों, खसखस को मैंने 10-15 मिनट पानी में भिगो दिया था। दोस्तों, खजूर ऑलरेडी स्वीट होते हैं और तो इसमें शुगर की ज़रूरत नहीं है। अब शेक को टेस्टी बनाने के लिए मैं यहाँ पे ऐड करूँगी इलायची, साथ ही साथ मैं यहाँ पे ऐड करूँगी आइस क्यूब्स। और अब ऐड करेंगे थोड़ा सा मिल्क। दोस्तों, शुरुआत में थोड़ा सा ही मिल्क ऐड करेंगे हम। अब हम इसे कवर करेंगे और सभी सॉलिड इंग्रेडिएंट को हमने करना है ग्राइंड। तो सॉलिड इंग्रेडिएंट को हम अच्छे से ग्राइंड होने के बाद, तो अब हम ऐड करेंगे 2 कप मिल्क, और अगेन हम इसे ग्राइंड करेंगे। दोस्तों, यह शेक डायबिटिक लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। बहुत हेल्दी रेसिपी है, बहुत अच्छी रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस हेल्दी रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, शेक अब तैयार है, तो चलिए अब हम करते हैं इसे सर्व। यम्मी, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी शेक बना है। दोस्तों, अब हम इसे कर लेते हैं सर्व। दोस्तों, यहाँ मैंने खजूर को बारीक कट करके रखा है सर्विंग के लिए, तो अब मैं इन्हें छोटे 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 खजूर के जो पीसेस हैं उनसे मैं इन्हें सर्व कर दूंगी। साथ ही साथ मैं इसमें सर्विंग के लिए अचार की चिरौंजी भी यूज़ करूंगी। वेरी यम्मी, बहुत टेम्पटिंग लग रहा है। इस रेसिपी को एंजॉय करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। ऐसे ही शानदार शानदार वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी के लिए बाय बाय।